नमस्कार, मेरा नाम है प्रीति। आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सभी को पता है कि 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम 26 जनवरी मनाते हैं। लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं है कि हमारे संविधान को 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू किया गया। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि 26 जनवरी के दिन ही हमारे संविधान को लागू क्यों किया गया। अंग्रेजों ने 1919 में मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड नाम का एक कायदा बनाया था। इसी कायदों के रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में की गई, पर साइमन कमीशन में कोई भारतीय नहीं था, इसीलिए पूरे देश में साइमन कमीशन का कड़ा विरोध हुआ। तो बौखला कर अंग्रेजों ने भारतीयों को अपना संविधान खुद बनाने की चुनौती दे दी। इस चुनौती को भारतीयों ने स्वीकार कर लिया। संविधान बनाने हेतु सभी पार्टियों ने मिलकर एक समिति बनाई, जिसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को चुना गया और तेज बहादुर सबरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ऐसे सब महान व्यक्ति मौजूद थे। इस समिति ने एक रिपोर्ट बनाया। ये रिपोर्ट इतिहास में प्रसिद्ध नेहरू रिपोर्ट था। अंग्रेज सरकार ने इसी रिपोर्ट को ठुकरा दिया। यहाँ तक मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेजों की बात में आकर इस रिपोर्ट को ठुकरा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता कड़वे राष्ट्रवाद के समर्थक थे। वे पूर्ण स्वराज के अधिगुरुत्व मांग राष्ट्र सभा के मंच से करने पर अड़े थे। और दूसरी तरफ सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग अभी भी डोमिनियन स्टेट का मांग पर अड़े थे। राष्ट्र सभा अब दो गुटों में बैठ चुकी थी। महात्मा गांधी जी ने इस संकट की स्थिति में मध्यस्थ की भूमिका में आए। फिर यह तय हुआ कि सरकार को एक साल का वक्त दिया जाए। अगर सरकार एक साल के अंदर नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया तो राज्यसभा अपने मन से पूर्ण स्वराष्ट्र की मांग करेगी। देखते ही देखते एक साल भी पूरा हो गया, पर अंग्रेज सरकार ने नेहरू रिपोर्ट पर कोई कदम नहीं उठाया। ना तो इस पर सरकार ने इस पर कोई चर्चा की, अपितु सरकार की इस रवैया ने मदेन्द्र गुड को भी गुस्सा दिला दिया था। और वो सब बिना किसी संकोच से पूर्ण स्वराज के पक्ष में आ गए थे। साल 1929 में राष्ट्रसभा का अधिवेशन का आयोजन उसी लाहौर शहर में किया गया, जहां साइमन कमीशन की विरोध करने वाले लाला लाजपत राय जी को अंग्रेजों ने पीटकर मारा था। दूसरे गुट को संतुष्ट करने हेतु सरदार पटेल और चक्रवर्ती राष्ट्र गोपाल चारी को कार्यकारिणी में लिया गया। और इसी कार्यकारिणी समिति के बाद लाहौर के मैदान में पंडित नेहरू ने लाला जी को श्रद्धांजलि दी और फिर घोषित किया पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 से पूरे देश में त्यौहार के रूप में मनाने जाने लगा। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के इन नेताओं के पास स्वतंत्रता दिवस पर चुनाव करने का कोई मौका नहीं था। अंग्रेज तो देश का अराजकताओं और दंगों के बीच जलता छोड़कर भाग गए थे, पर जब संविधान की निर्मिति 26 नवंबर 1949 को भीमराव रामजी अंबेडकर के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, यह संविधान पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग माना जाता है। यहाँ संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। दो देशों के संविधान प्रस्तावना दी पीपुल से शुरू होती है और भारतीय संविधान की मूल प्रति प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने हाथों से लिखी थी और यह हिंदी व अंग्रेजी मूल प्रतियां भारतीय संसद की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम केस भरी रखी हुई है। और इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। और भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा का निर्माण हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। भारतीय संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और इनमें 15 महिलाएं थीं। और बड़े गर्व की बात है
हमारे मधेपुरा की कमलेश्वरी प्रसाद यादव यह संविधान के मेंबर थे। वैसे तो हम इसे प्रजा स्वतंत्रता या रिपब्लिक डे कहते हैं, पर असलियत में जनता के हाथ में सत्ता 26 जनवरी 1950 से आई, क्योंकि 1947 से लेकर 1950 तक भारत की सत्ता ब्रिटिश संसद के इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 से होती थी। छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं, लेकिन आज भी बहुत से लोग हैं जो इसकी महत्ता को नहीं जान पाते हैं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। हम लोग भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई, और सही मायने में अगर आज़ादी की बात की जाए तो जनता को आज़ादी 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हुआ, जिस दिन हमारे देश ने संविधान को एकाकार किया, संविधान यहाँ लागू। उस दिन से भारत की जनता के हाथ में ये ताकत आई, वो अपनी तकदीर, अपना भविष्य खुद लिख सके, अपने द्वारा उनके द्वारा चुनी गई सरकार दिल्ली में बिठा सके और उनके हित में जो कार्य करे ऐसी सरकार वहाँ चुन सके। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल देखिएगा तो उसमें भी लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये शुरुआत ही प्रीएम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसका मतलब ही है कि हम भारत के निवासी, और हम का अर्थ है यहाँ के भारत के निवासी, भारत के लोग, और उन सब ने संविधान को एकाकार किया, संविधान को लागू किया। सरकार उस दिन से जनता के हाथ में गई, जनता यहाँ मालिक हो गई, और जनता ही अपने वोट के द्वारा सरकार को चुनती है जो कि इस देश का भविष्य तय करे। तो हर चीज आज की तारीख में जनता के हाथ में। 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ संविधान 1950 में, इसकी एक कहानी है। उसमें 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था, और उस दिन से लगातार हमारे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जा रहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था, और उसके बाद से लगातार 1947 तक 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता रहा। लेकिन 15 अगस्त को हमें आज़ादी प्राप्त हुई, ये कोई तय नहीं कर सकता था किस दिन हमें आज़ादी मिले, इसीलिए 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश राज से छुटकारा मिला, आज़ादी मिली। उसके बाद एक संविधान सभा बनी, जिसमें मैं ये बात आपको बता सकता हूँ, गर्व हमें भी इस बात का गर्व है कि हमारे मधेपुरा से कमलेश्वरी प्रसाद यादव भी संविधान सभा के सदस्य थे। आज हमें इस बात का फक्र होना चाहिए कि हमारे मधेपुरा ने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जिसने संविधान सभा में हमारा प्रतिनिधित्व किया, और संविधान को बनाने में उनका भी योगदान रहा। जब संविधान सभा बनी तो उसमें मेन यही उसका मुख्य उद्देश्य था कि संविधान को कैसे लागू किया। उसमें आप पूरा देश छोटे छोटे रियासतों में उस समय बटा हुआ था, और तब हमारे गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा, जो छोटी छोटी रियासतों में हम लोग बटे हुए थे। कुछ रियासत थी जो उस समय नहीं, निज़ाम हैदराबाद वगैरह जो नहीं चाह रहे थे इस देश में आना, वहाँ पर सेना को भेजा गया, और तब पूरा देश एक सूत्र में बंधा, और उसके बाद संविधान लागू हुआ। संविधान हालांकि हमारा संविधान 1949 के नवंबर में ही तैयार हो गया था, लेकिन क्योंकि 26 जनवरी 1930 को से हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाते आ रहे थे, इसीलिए ये तय हुआ कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होगा, और उस दिन हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने उस दिन
शपथ लिया था दिल्ली के नेशनल, आज नेशनल स्टेडियम जो है, उस समय अंग्रेज दूसरा नाम था उसका, तो वहां पर उन्होंने शपथ लिया था। और उस दिन से हम सही मायने में इस देश की जनता को आजादी मिली, अपने अपना ताकत मिला, अपना दशा और दिशा तय करने की ताकत मिली। एक वोट एक बहुत बड़ी चीज है, एक वोट जिसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका अगर देखा जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको पैसे में नहीं तोला जा सकता। और इस एक वोट की ताकत हर 5 साल में जनता को दिखाना होता है। जो सरकार अगर काम करे तो उसको जनता देती है वोट, अगर जो नहीं काम करती है, जो नकारा होती है, तो उसको जनता हटाते का भी अधिकार रखती है। तो जनता को सही मायने में संविधान से ये अधिकार प्राप्त हुआ कि कैसे हम अपना अपनी दिशा और दशा तय कर सकें, हम अपने नेता को चुने और जो उनका प्रतिनिधित्व संसद में करे, विधानसभा में करे, ये एक बहुत बड़ी ताकत है। और सही में इस काम के लिए हम अपने पूर्वजों को के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा, आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और उसका आधार संविधान, और संविधान आज कोई छोटा मोटा नहीं है। आप अगर उसको पढ़िएगा तो 300 कितने उसके सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं। संविधान का जो मेन रूप है उसको नहीं छेड़ा जा सकता, उसको आज तक छेड़ा भी नहीं गया। आज़ादी का सवाल हो, अभिव्यक्ति का सवाल हो, अपॉर्चुनिटी का सवाल हो, चाहे धर्म, अपना धर्म के अपने धर्म को प्रचार का या जो भी पूजा करने का सवाल हो, आज़ाद अभिव्यक्ति, सब चीज़ आपको संविधान में प्रदत्त है। और संविधान से ही तीनों जो आज हमारे देश के एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है और जुडिशियरी है, इन तीनों को वहीं से अधिकार प्राप्त होता है। तो सर्वोच्च स्थान संविधान को ही रखा गया है। संविधान से ही राष्ट्रपति भी उसके अंडर में आते हैं, प्रधानमंत्री भी उसी के अंडर में आते हैं, और जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये तीनों अंग जो है तीनों संविधान से ही ताकत प्राप्त करते हैं। और तीनों को ताकत कहाँ से मिलती है संविधान को? यहाँ की जनता से, वी द पीपल ऑफ, इसीलिए उसका प्रियम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसके लिए हम अपने पूर्वजों को नमन करते हैं, उन्होंने आज एक बहुत बड़ा हथियार यहाँ की जनता को दिया है, उनके अपने हाथ में उनको ताकत दिया है कि अपना दिशा और दशा तय कर सके। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले।